पंजाब कांग्रेस ने उम्मीदवारी का फॉर्म भरने की अवधि खत्म। आज पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी से कैप्टन अमरिंदर सिंह, आशा कुमारी और अंबिका सोनी की होगी मुलाकात। करनैल सिंह इसरू के श्रद्धांजलि समागम में नवजोत सिंह सिद्धू पर बयानबाजी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, सिद्धू कोई भगवान नहीं तो भगवंत मान ने कहा, नवजोत सिंह सिद्धू ने अब तक नहीं किया कोई फैसला। पंजाब में नहीं थम रहा धर्म ग्रंथों की बेअदबी का मामला। आज डीजीपी अशोक अरोड़ा से मुलाकात करेगा पंजाब का ईसाई समुदाय। इंटरनेट के जरिए प्रभु यीशु और माता मरियम की हुई की बेअदबी। कुछ ताकतें राज्य में अमन शांति के माहौल को खराब करने की कर रही है कोशिश। मोहाली में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का बयान, मौजूदा समय में भी जनता को अहम रोल अदा करना होगा। बीजेपी की तिरंगा यात्रा का आज दूसरा चरण, हरियाणा के रेवाड़ी में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और राव इंद्रजीत सिंह करेंगे शिरकत। बलूचिस्तान के मुद्दे पर घेरे जाने से बौखलाया पाकिस्तान। नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा, भारत कश्मीर के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहता है इसलिए उठाया बलूचिस्तान का मुद्दा। आपातकालीन व्यवस्था के चलते खोले गए मंडी के लाजू डैम के 3 गेट, जारी हुआ अलर्ट, शाम 7 बजे तक ब्यास नदी के किनारे न जाने की हिदायत। ब्राजील के शहर रियो में भी मनाया गया स्वतंत्रता दिवस का जश्न। हरियाणा के खेल मंत्री के साथ अधिकारी और खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। जुलाई से पेट्रोलियम की कीमतों में हुई चौथी कटौती। पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपए प्रति लीटर की कमी तो डीजल की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर हुई कम। आज से लागू हुई घटी कीमतें।